वो कृष्णापुरी गांव था। उस दिन कृष्णाष्टमी था, इसीलिए बेटी अनामिका घर के गेट के पास छोटे छोटे कृष्णा के पैर बनाती है। ये देखकर उसकी माँ सावित्री उसकी बहुत तारीफ करती है। छोटे कान्हा के नन्हे पैर तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं। सच में बहुत अच्छे बने हैं ना माँ? ऐसा कही रही थी तभी बैग में पूजा का सामग्री लेकर पिता सुदर्शन घर आते हैं। छोटे छोटे कान्हा के पैरों को देखकर सुदर्शन कहते हैं, बहुत सुंदर हुआ बेटा, अब हमारे घर में नन्हे कृष्णा आएंगे। सावित्री ये लो पूजा के सामान, जाके पूजा के कमरे में रखो। इस तरह कहकर सुदर्शन पूजा के सामग्री सावित्री के हाथों में दे देते हैं। सावित्री सारा सामान लेके घर के अंदर चली जाती है। अनामिका अपने सेलफोन से छोटे छोटे बाल कृष्ण के पैरों की तस्वीर लेती है और साथ ही साथ एक सेल्फी भी लेती है। तभी उसी वक्त शहर के किसी किचन में शारदा दूध का खीर बना रही थी और तभी अपने बेटे को फोन लगाई। ठीक उसी वक्त हाईवे के सड़क पर गानों का आनंद लेते हुए रमेश घर के तरफ गाड़ी चला के जा रहा था, तभी उसका सेलफोन बज उठता है। हेलो मम्मी। बेटा रमेश, निकले या नहीं? मम्मी कृष्णा अष्टमी की छुट्टियां है, इसीलिए मैं घर आ रहा हूँ, एक घंटे में ही घर पहुँच जाऊंगा। ठीक है बेटा, सावधानी से आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर रमेश ने फोन रख दिया। गाने का मजा लेते लेते रमेश तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। तभी उसके बगल में बैठा योगी, अच्छा पहली बार मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे क्या दिक्कत होगी, कृष्णाष्टमी का समय है, कृष्णापुरी गांव में बहुत अच्छे से कृष्णाष्टमी मनाया जाता है, खास करके मटका फोड़ प्रतियोगिता होती है, तुम्हें तो सच में बहुत मजा आने वाला है। इस तरह दोनों के बीच बातचीत होती है। रमेश सावधानी से गाड़ी चलाने लगता है। उधर अनामिका के घर में काव्या और श्राव्या आती है। अनामिका अनामिका, उसने जैसे ही बुलाया अनामिका अंदर से बाहर निकल आई। तुमने कहा था ब्यूटी पार्लर जाएंगे और अभी भी घर पे हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम नहीं आई देखकर मैं तुम्हें फोन करने वाली थी, तब तक तुम आ गई। गोपिका के भेष में मेकअप करने में भी तो बहुत समय लग जाएगा, अब जल्दी चलो। इतना कहकर अनामिका अपनी माँ से पैसे लेती है और फिर जा रही है कहकर अपनी दोस्तों के साथ वो चली जाती है। तभी एक कार आके शारदा के घर के सामने रुकती है। शारदा प्रसाद दरवाजे के सामने ही खड़े थे। रमेश अपना दोस्त योगी को साथ लेकर घर आता है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। उधर शहर में ऑटो से नीचे उतर के पार्लर के तरफ जा रही थी अनामिका। तभी अनामिका को पेड़ के नीचे एक महिला चूड़ी बेचते हुए नजर आती है। अपनी सहेलियों के साथ वो उस महिला के पास जाती है। ठेले के पास अनामिका श्राव्या कीर्ति खड़ी होकर रंग बिरंगे कांच की चूड़ियां देखने लगती हैं। अनामिका अपनी पसंदीदा रंग लाल रंग की चूड़ियां उठाती है। कीर्ति श्राव्या देखो जरा, मुझे ये रंग की चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही है। तुमने बहुत अच्छा रंग चूज किया है अनामिका, ये रंग तुम्हारे हाथों में खूब जचेगा। उसके बाद अनामिका उस रंग की चूड़ियां खुशी खुशी ले लेती है और उस महिला को पैसे देकर वहां से चली जाती है। अब रात हो जाती है। शारदा प्रसाद रमेश और योगी गाड़ी में बैठकर कृष्णपुरी की तरफ रवाना होते हैं। उस गांव में हंडी फोड़ कार्यक्रम के लिए सब कुछ तैयार हो चुका था। त्योहार का माहौल था, बड़े बच्चे सब गीत गा रहे थे। शारदा रमेश प्रसाद योगी सभी लोग उस जगह पर आकर उपस्थित होते हैं। गोपिका के भेष में अनामिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। रमेश उसे देखकर दंग रह जाता है। वाह क्या खूबसूरती है, मैं अपनी पलक नहीं झपक पा रहा हूँ। गोपिका की भेष में अनामिका को वो देखता रहता है। हंडी फोड़ने के लिए अब अनामिका एक लाठी उठाती है। शारदा भी वहाँ खींचने वाली रस्सी को पकड़ती है। जैसे अनामिका फोड़ने जाती है शारदा रस्सी खींच देती है, उस वजह से अनामिका मटका फोड़ नहीं पाती। उसके बाद रमेश आके पकड़ता है, वो बस अनामिका को देखे जा रहा था, वो रस्सी खींचना ही भूल जाता है। अनामिका मटके तक पहुँच जाती है और सीधा मटका फोड़ देती है। अनामिका बहुत खुश थी, सभी लोग तालियां बजा रहे थे। मटके का माला आके अनामिका के गले में गिरता है। अनामिका उसे हवा में फेंकती है तो सीधा रमेश के गले में जाके गिरता है। ये देखकर रमेश और अनामिका दोनों बहुत खुश होते हैं, पर शारदा सब कुछ देख लेती है। फिर एक दिन शारदा का परिवार अनामिका के घर पे आते हैं शादी के लिए बातचीत करने। अब चूंकि पहले से ही रमेश अनामिका एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, इसीलिए उनकी धूमधाम से शादी करा दी जाती है। अनामिका ससुराल आती है, घर का काम काज खाना पकाना इसी तरह उसका दिन निकल रहा था। बहुत ही खुशहाल जिंदगी थी अनामिका की।
अनामिका के दो बच्चे होते हैं हरीश और भव्या। वो दोनों अब स्कूल जाने लगते हैं। एक दिन जब रमेश बेडरूम में काम कर रहा होता है, माँ स्कूल में कृष्णा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, मुझे कृष्ण के भेष में स्कूल आने के लिए कहा गया है। हाँ माँ, आज मुझे गोपिका के भेष में स्कूल आने के लिए कहा है। बच्चों की बातें सुन के रमेश और अनामिका एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें पुराने दिन याद आ जाते हैं। फिर बच्चों के सो जाने के बाद रमेश और अनामिका खिड़की के पास खड़े होकर आसमान में चांद देखते देखते प्यार भरी बातें करने लगते हैं। ए जी, घर की बहू अब मैं, लेकिन क्या आप मुझे मटकी फोड़ने फिर से देंगे? माँ पिताजी से एक बार बात करूंगा अनामिका। इस तरह बातचीत होने के बाद वो सो जाते हैं। अगले दिन कृष्ण अष्टमी था, इसलिए हरीश कृष्ण के पोशाक में और भव्या गोपिका के भेष में स्कूल जाती है। शारदा प्रार्थना कक्षा में पूजा कर रही थी, प्रसाद सोफे पे बैठ के अखबार पढ़ रहे थे और रमेश डाइनिंग टेबल पे बैठ कर नाश्ता कर रहा था। अजी, माँ पिताजी अभी नाश्ता करने आने वाले हैं। कल जो वादा किया था उस बारे में बात जरूर कीजिएगा। तुम चिंता मत करो अनामिका, जरूर बात करूंगा। ऐसा कही रहा था तभी शारदा और प्रसाद आके डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। अनामिका नाश्ता परोस देती है, फिर वो खाने लगते हैं। माँ पिताजी, आप लोगों से कुछ कहना था। मुझे पता है बेटा, आज बहू के घर में कृष्णाष्टमी का महाजश्न होने वाला है। तुम लोग जाना चाहते हो ना, जा घूम कर आओ बेटा। और बहू को अगर हंडी फोड़ना है तो फोड़ने भी देना। ये सुनकर रमेश और अनामिका बहुत खुश होते हैं। उस दिन जब बच्चे स्कूल से लौट आते हैं, उसी पोशाक में बच्चों को साथ लेकर वो गांव चले जाते हैं। बहू अनामिका मटका फोड़ प्रतियोगिता में भाग लेती है। ये देखकर रमेश और बच्चे बहुत खुश होते हैं, फिर गाड़ी में बैठकर खुशी खुशी घर लौट आते हैं। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती धूप थी। मंदारपल्ली गाँव में मिट्टी के घर में भानु बेंच के ऊपर बैठे बैठे, दोपहर का वक्त हो गया है, उन्होंने कहा पटेल के पास फसल बेचने जा रहे हैं, कब मेरे पति किशोर सुबह निकले हैं, अभी तक लौटे नहीं। ये सोच ही रही थी तभी किशोर खुशी खुशी एक कपड़ों से भरा हुआ बैग लेके घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी कि पटेल के पास पैसे लेने गए हैं, अभी तक लौटे नहीं, और उन्हीं पैसों से आप कपड़े खरीद के ले आए अपनी बहन अनामिका, उसके पति रमेश और उनके बेटे हरीश के लिए। सिर्फ अपनी बहन के लिए ही नहीं लाया हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए भी कपड़े लाया हूँ। हर त्योहार में आप अपनी बहन, उसके पति और बेटे के लिए कितने कपड़े खरीद के ले आते हैं, ऐसा कि मानो उससे एक दुकान शुरू हो जाए। बस मेरी शांति के लिए भानु, अभी भी मुझे भरोसा है कि मेरी बहन अनामिका इस राखी में जरूर राखी बांधने यहाँ आएगी। आपको तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अनामिका की सास तो बहुत शैतान है। हर त्योहार में हम जाते हैं, हर बार उन्हें खुश करते हैं, खुशी खुशी उन्हें विदा भी करते हैं, पर कब तक हम ऐसे दिल रखे। इसके बावजूद उसकी सासू माँ भेजती नहीं, कहती है भाई बहन के बीच कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा, हम सबके सामने अभिनय करते हैं, इस तरह बुरा बर्ताव और बहुत अपमानित भी किया हमें। इस तरह किशोर कहते कहते रोने लगता है। भानु उसे समझाती है। उधर शहर में शारदा के घर पे रमेश और अनामिका बिस्तर पे बैठकर बातचीत कर रहे थे। अजी, राखी का त्योहार आ रहा है। हाँ अनामिका, मुझे पता है तुम इंतजार में हो अपने भाई से मिलने के लिए, बहुत उत्सुक हो उनसे मिलने के लिए, ये सारी बात मैं समझ सकता हूँ। फिर आप जाइए ना, जाके माँ जी से बात कीजिए और मुझे अपने मायके भेज दीजिए। ये नहीं कर सकता हूँ मैं अनामिका, पर इतना कह सकता हूँ कि माँ के अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती हो, अगर जाना है तो तुम्ही को मनाना होगा। रमेश की बातें सुन के अनामिका दुखी हो जाती है। फिर हॉल के सोफे में शारदा और प्रसाद बैठे हुए थे, उनके पास अनामिका जाती है। माँ जी, आपको कुछ खाने की इच्छा है क्या? तुम्हें क्या चाहिए बहू, ये बताओ। अनुमति माँ जी। अब अनुमति देने का क्या हो गया बहू, राशन लाने के लिए राशन की दुकान में जाओ, कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की दुकान में जाओ, सब्जियां खरीदनी है तो सब्जी के दुकान में जाओ, दूध लेना है तो दूध वाले के पास जाओ, बीमार पड़े अस्पताल जाना हो तो कभी भी जा सकती हो, ये सब के लिए अनुमति तो मैंने पहले ही दे रखा है, अब किस चीज के लिए अनुमति चाहिए बहू। उनकी बातें सुन के अनामिका घबरा जाती है उत्तर देने में। वो असल में माँ जी, राखी का त्योहार आ रहा है ना। ये सुनते ही शारदा को बड़ा गुस्सा आता है।
मैं भैया को जाके राखी बांध के आ जाऊंगी। एक बार गई थी शादी के बाद, तब से एक बार भी राखी के त्योहार में मैं उनके वहाँ जा नहीं पाई। देखो बहू रानी, इस दुनिया में खून का रिश्ता मतलब भाई बहन का रिश्ता नहीं होता है, सास बहू का होता है। इसलिए कह रही हूँ, हम दोनों एक साथ रहकर अच्छे से रिश्ता निभाएंगे, समझी? माँ जी, बस एक बार मेरी समस्या समझिए, वहाँ मेरे भाई रहते हैं। भैया भैया कहकर कब तक खींचोगी बहू? तुम्हारे भाई के नजरों में पैसे ज्यादा है बहन के प्यार से, इसलिए ये भाई बहन का जो रिश्ता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात भी सुन लो, मेरी अनुमति के बिना तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती हो, नहीं तो तुम्हें सबक सिखा दूंगी। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। उनकी बातें सुन के अनामिका रोने लगती है। दुखी मत हो बेटा, बहू का आंसू बहाना घर के लिए शुभ नहीं। वो बात नहीं है पिताजी, भाई बहन के रिश्तों को लेकर अगर माँ जी के मन में इतना कटाक्ष है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल में बहुत दर्द भी है। ऐसा कहने पर प्रसाद बताते हैं कि शारदा के भाई चक्रवर्ती ने उसे कैसे ठगा था। पूरी बात उसे खुल के बताते हैं। ये सुनकर, यानी कि माँ जी के दिल के अंदर इतना दर्द है, फिर भी बाहर से उन्हें देखकर कभी नहीं लगता है, इतने प्यार से रहती है। सासू माँ महान है पिताजी। सिर्फ तुम्हारी सासू माँ ही नहीं, तुम भी महान हो बेटा। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। चूंकि अनामिका को बाजार जाना था, इसीलिए सासू माँ से कहकर वो बाजार के लिए निकल जाती है। उधर शारदा के भाई चक्रवर्ती बहुत अमीर थे। दीवार पे लटकी हुई शारदा की मुस्कुराहट चेहरा देखकर वो दुखी होकर कहते हैं, बहन उस दिन जब पिताजी ने कहा था कि जमीन लिख देने के लिए तुम्हें, मैं पैसों के लालच में आकर नहीं लिखा था, पर समय के साथ गलती समझ में आई कि मैंने कितनी बड़ी भूल की थी, इसीलिए शायद ईश्वर ने हमें संतान नहीं दिया। माफ कर दो बहन, एक बार मेरे पास आके मेरे कलाई में राखी बांध दो। वो रो ही रहे थे, तभी वहाँ अनामिका उनके घर पे आके पहुँचती है। उसे देखकर चक्रवर्ती की पत्नी कावेरी, तुम कौन हो? मेरा नाम अनामिका है, मैं शारदा जी की बहू हूँ। ये सुनकर चक्रवर्ती बहुत खुश होते हैं और अनामिका के पास आते हैं। पिताजी, मैं आपकी मुंह बोली बेटी बनने के लिए तैयार हूँ, पर सासू माँ शारदा तो आपकी खुद की बहन है। आपने जो गलती की है उसके लिए आप इतना पछता रहे हैं, आप अपने बहन के प्यार के लिए तरस रहे, पर ये सारी बातें आपकी बहन को कैसे पता चलेगा, वो कैसे समझेंगी? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन किस मुंह से मैं शारदा के सामने जाऊंगा? इसी चेहरे को लेकर पिताजी, इसी चेहरे में दर्द है, चिंता है, वेदना है, आपके चेहरे पे मानसिक तनाव है। भाई बहन के रिश्ते में थोड़ा अगर झुक जाए तो उसमें गलती नहीं है, थोड़ा झुक कर अगर माफी मांग लेते तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, सोच के देखिएगा, लेकिन मैं आपकी बेटी बनने के लिए तैयार हूँ, नमस्ते। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। अगला दिन राखी का त्योहार था। चक्रवर्ती और कावेरी शारदा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, और उधर किशोर और वानु वो अनामिका के आने का इंतजार करने लगते हैं। बाद में चक्रवर्ती और कावेरी शारदा के घर खुद आते हैं और शारदा के पैरों पे पड़ जाते हैं। शारदा खुश हो जाती है, चक्रवर्ती को वो राखी बांधती है। जाओ बहू, उधर तुम्हारे भाई और उनके परिवार तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, तुमने मेरे भाई को मेरे करीब ले आया है, फिर मैं तुम्हें क्यों अलग करूं? जाओ बहू जाओ। शारदा के कहने पे अनामिका खुशी खुशी रमेश के बाइक पे बैठ के अपने मायके चली जाती है। किशोर और भानु उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर अनामिका अपनी भाई के कलाई पे राखी बांध देती है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने भाई से मिल पाई हूँ। आप सभी भाई बहनों को राखी के त्योहार की शुभकामनाएं। मैं आपकी अनामिका आप सबसे विदा लेती हूँ। ऐसा कहकर वो नमस्ते करती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार।